स्टूडेंट्स, आज हम आपका हिंदी में भाषा हमने कल की थी, अब उसके रूप, भाषा के रूप करेंगे, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। बच्चों, भाषा के चार कौशल होते हैं। चार कौशल मतलब सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, हम भाषा को किस किस तरीके से सुन के समझते हैं, बोलकर, लिखकर और पढ़कर। ठीक है, ये इसके चार कौशल होते हैं। बच्चे कहानी सुन रहे हैं, पहली पिक्चर में देखिए। सुनना कैसे? जब हम किसी बात को सुनते हैं, आप टीवी देखते हो तो आप उसमें टीवी में जो आता है उसको सुनते हो और देखते हो ना, तभी आपको पता चलता है। उसी तरह बोलना, सोहन बोलकर बात कर रहा है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ? बोलकर कर रही हूँ ना, तो आपको मेरी बात समझ आ रही है। अगर मैं कुछ बोलूँ ही ना, सिर्फ होंठ हिलाती रहूँ, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ? अब आपको समझ आया मैंने क्या बोला? नहीं समझ आया ना? ठीक है, जब कोई कुछ बोलता है तब हम उसे सुनकर समझते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। जब हम कुछ बोलते हैं और आपको वो समझ आ रहा है, जब मैं जैसे बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है ना, तो ये कौन सा रूप है भाषा का? मौखिक रूप है। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए। आशीष पुस्तक में लिख रहा है। अब आशीष जो है वो कुछ लिख रहा है। अब वो लिखेगा तो कोई उसको पढ़ेगा तो उसको समझ आएगा ना उसने क्या लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पढ़ना। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार आप सबके घरों में आती होगी, देखी होगी आपने, उसमें लिखा होता है और उसको हम पढ़कर समझते हैं कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो जब कोई कुछ लिखता है तब हमें उसे पढ़कर समझ हम उसे पढ़कर समझते हैं। ये भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। जब कोई लिख रहा है और उसको हम पढ़कर समझ रहे हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, सुनना और बोलना और पढ़ना और लिखना, ये भाषा के ही दो अलग-अलग रूप हैं, एक मौखिक एक लिखित। तो बच्चों, हमने देखा कि हम कैसे भाषा के द्वारा अपने मन की बात दूसरों तक जो है पहुंचा सकते हैं। तो अब देखिए, इसका अभ्यास है। दिए गए चित्र को पहचान कर लिखित भाषा के लिए ल और मौखिक भाषा के लिए मा लिखिए। तो अब ये देखिए, पहली पिक्चर में जो उस फादर हैं वो कुछ बोल रहे हैं और बच्चा उसको सुन रहा है, तो ये कौन सा रूप हुआ? मौखिक। तो हम लिखेंगे म। अब नेक्स्ट में है, टीचर कुछ पढ़ा रही है और उसने कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो वो कौन सा रूप हुआ? लिखित। तो हम क्या लिखेंगे? ल। इसी तरह देखिए, ये कोई भाषण दे रहे हैं, नेता हैं, तो अब हमें वो बोल रहे हैं तो हम समझ आ रहा है ना, सुनकर समझ आ रहा है, तो कौन सा रूप है? मौखिक। अब नेक्स्ट पिक्चर में बच्चा गाना गा रहा है, तो गाना हमें सुनकर समझ आ रहा है, तो कौन सा रूप हुआ? मौखिक। अब एक लेटर जो है वो ये पढ़ रहे हैं, तो अब इसका कौन सा रूप हुआ? लिखा हुआ रूप हम पढ़ रहे हैं ना, तो क्या हुआ? लिखित। नेक्स्ट है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। कविता सुनना भाषा का डैश रूप है। कौन सा? मौखिक रूप है। गृह कार्य करना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। टेलीविजन देखना भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ठीक है, मित्र को ईमेल करना भाषा का लिखित रूप है। हम उसमें टाइप करेंगे ना तभी भेजेंगे ईमेल, और वो उसको पढ़ेगा, है ना, तो वो कौन सा रूप होगा? लिखित। इसके साथ मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। अभी हमने पढ़े ना भाषा के चार कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं, और वो कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित रूप। पुस्तक पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? पुस्तक पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको नीट एंड क्लीन नोट डाउन करिएगा और लर्न भी करिएगा। थैंक यू।